SSD इंटरफेस कैसे करते हैं, ब्लूटूथ इंटरफेस कैसे करेंगे, वाईफाई की आईसी कैसे इंटरफेस करेंगे, ईथरनेट कैसेनेट फी इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्योंकि ईथरनेट फी में हम 5 GHz तक का हम डेटा ट्रांसमिट कर सीख सकते हो, जैसे कि DDR इंटरफेस है, DDR3, DDR4, DDR बेसिक रैम है। हाई स्पीड की, हाई स्पीड क्या होता है, हाई स्पीड के क्या क्या एप्लीकेशन हैं, उसके बारे में बात करने वाला हूँ। उसके बाद मैं आपके साथ बात करने वाला हूँ कि क्या क्या इंटरफेसेस होते हैं, और उसके बाद फोर्थ पॉइंट पर मैं बात करने वाला हूँ कि आपको अगर हाई स्पीड सीखना है तो क्या बेसिक स्किल्स की रिक्वायरमेंट है, क्या आपको आना चाहिए क्या। चलो वीडियो को शुरू करते हैं। नाम है सत्यम और आप देखना शुरू कर चुके हैं इलेक्ट्रॉनिक्स ग्लोब यूट्यूब चैनल, जहाँ की मैं इलेक्ट्रॉनिक्स रिलेटेड वीडियो शेयर करता हूँ। तो चलो एक एक करके शुरू करते हैं। हम स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन अबाउट द हाई स्पीड, कि हाई स्पीड सिग्नल्स है क्या, हाई स्पीड डिज़ाइन की रिक्वायरमेंट कब हमें पड़ती है। तो जब भी आप की जो फ्रीक्वेंसी है, बेसिक हाई स्पीड कम्स अंडर द टर्म्स दैट इज़ अ फ्रीक्वेंसी। दो पैरामीटर पे हाई स्पीड सर्किट बेसिक डिफाइन की जाती है। द फर्स्ट पैरामीटर इज़ अ राइज टाइम एंड फॉल टाइम, एंड सेकंड पैरामीटर इज़ द क्लॉक फ्रीक्वेंसी। ठीक है, हम दोनों के बारे में बेसिक अभी आपको डिस्कस करके समझा देंगे कि हाई स्पीड में जो राइज टाइम फॉल टाइम होता है वो क्या होता है और क्लॉक फ्रीक्वेंसी क्या होती है। सो व्हाट इज़ अ राइज टाइम एंड फॉल टाइम। आप अगर बीटेक किए हो या बीक किए हुए हो तो आपने कंट्रोल सिस्टम पढ़ा होगा, कंट्रोल सिस्टम का दैट इज टाइम रिस्पॉन्स एनालिसिस। मैं बोलता हूँ कि बीटेक के हर एक स्टूडेंट को टाइम रिस्पॉन्स कंट्रोल सिस्टम का पढ़ना चाहिए। अगर वो इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल का स्टूडेंट है, टाइम रिस्पॉन्स इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट। तो टाइम रिस्पॉन्स में आप पढ़ते हो डिफरेंट टाइप्स ऑफ टाइम निकालना, राइज टाइम, फॉल टाइम, डिले टाइम, डीके रेशियो, ये सब चीज़ आप बेसिक कैलकुलेट करते हो। तो राइज टाइम जो होना चाहिए बेसिक आपका, वो होना चाहिए लेस देन 9 नैनो सेकंड। ठीक है, राइज टाइम और फॉल टाइम दोनों कितना होना चाहिए आपका, 9 नैनो सेकंड से अगर कम है आपका। अब आप इसे एनालिसिस कैसे करोगे, इसे एनालिसिस करने के लिए हम यूज़ करते हैं एक इंस्ट्रूमेंट जिसको बोलते हैं स्पेक्ट्रम एनालाइजर। स्पेक्ट्रम एनालाइजर में हम पावर ऑफ फ्रीक्वेंसी को बेसिक एनालिसिस करते हैं। ठीक है, बट वो अनदर पार्ट है, दैट इज स्पेक्ट्रम एनालाइजर इज अ डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट दैट आर यूज टू एनालिसिस ऑफ द फ्रीक्वेंसी एंड पावर। ठीक है, वो अगर आप RF के फील्ड में हो, RF इंजीनियर हो, तो डेफिनेटली दिस ये आपका काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। ठीक, हम बात करते हैं राइज टाइम। तो राइज टाइम क्या होता है बेसिक आपका, जो सिग्नल स्टार्ट हुआ, आप जैसे कि एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हो अगर, ठीक है, तो एक अगर आप XY कर्व स्टार्ट करते हो तो आप जीरो से स्टार्ट करते हो राइज करना ऊपर की। राइज मतलब होता है अप और फॉल मतलब होता है डाउन, राइज मतलब होता है बढ़ना और फॉल मतलब होता है गिरना। तो राइज टाइम क्या हो रहा है कि जो पॉइंट से आपका स्टार्ट हुआ है सिग्नल ट्रांसमिट होना, वहाँ से लेकर के मैक्सिमम, जिस पॉइंट तक आपका मैक्सिमम एम्पलीट्यूड पहुँचा है, उस दोनों का जो डिफरेंस है, जो इनिशियल और फाइनल है, मतलब जो आपका सिग्नल स्टार्ट हुआ वहाँ पर का टाइम और जो आपका सिग्नल मैक्सिमम हुआ वहाँ पर का टाइम, इन दोनों टाइम का जो डिफरेंस होना चाहिए। ठीक है, दैट इज अगर बोलूँ तो T1 और T2 अगर है तो आपका जो टाइम होना चाहिए, यानी जो T0 आपका आना चाहिए, T आना चाहिए बेसिक टोटल फाइनल टाइम, दैट इज T2 - T1, और ये लेस देन होना चाहिए 9 नैनो सेकंड। तो ये आपका होता है राइज टाइम। ठीक है, फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम, यानी फाइनल टाइम क्या हुआ, मैक्सिमम टाइम, और जो इनिशियल टाइम था वो आपका यहाँ से शुरू हुआ सिग्नल। इनका अगर डिफरेंस अगर लेस देन 9 नैनो सेकंड आता है तो आपका सिग्नल बेस्ट है। ठीक है, उसी तरह से फॉल टाइम होता है कि जो फॉल कर रहा है सिग्नल वो भी लेस देन 9 नैनो सेकंड होना चाहिए। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा, दैट इज द राइज टाइम एंड फॉल टाइम। सेकेंड पैरामीटर इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज हाउ वी कैन जनरेट द क्लॉक फ्रीक्वेंसी। तो क्लॉक फ्रीक्वेंसी जो हाई स्पीड के लिए बोला जाता है, दैट इज एटलीस्ट और मिनिमम 50 MHz। अगर आपका जो क्लॉक सिग्नल है, क्लॉक सिग्नल क्या होता है बेसिक, जो आप माइक्रो प्रोसेसर या माइक्रो कंट्रोलर इंटरफेस करते हो तो वहाँ पे आप यूज़ करते हो क्रिस्टल ऑसिलेटर। तो क्रिस्टल ऑसिलेटर अगर 50 MHz से ज़्यादा है तो वहाँ पे हाई स्पीड डिज़ाइन की रिक्वायरमेंट होती है, और हाई स्पीड में हम बहुत सारे चीज़ों को एनालिसिस करते हैं, इसीलिए इसमें आता है सिग्नल इंटीग्रिटी है, पावर सिग्नल इंटीग्रिटी, कि हम डिफरेंट डिफरेंट सिग्नल को कैसे हैंडल करेंगे, क्रॉस टॉक कैसे कम करेंगे, क्रॉस टॉक नहीं होना चाहिए। ठीक है, उसी तरह से आपका फिर नॉइज जो क्रिएट हो रहा है वो नॉइज़ नहीं आना चाहिए, तो ये सब के लिए है। ठीक है, तो ये सब चीज़ों के लिए हम सिग्नल इंटीग्रिटी और पावर इंटीग्रिटी इस तरह के टॉपिक्स को स्टडी करते हैं। ये कोई आपका रूल नहीं है कि आपको बेसिक सीखना है। ठीक है, तो ये बेसिक है आपके टॉपिक्स हैं जिसको आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे इस टॉपिक के, सिग्नल इंटीग्रिटी है, पावर इंटीग्रिटी है, देन आप क्या कर सकते हो, चीज़ों को अप्लाई कर सकते हो। जैसे कि आप सिग्नल इंटीग्रिटी में क्या पढ़ते हो, इंपेडेंस कैसे निकालते हैं, इंपेडेंस लेंथ है, इंपेडेंस मैचिंग सर्किट आप पढ़ते हो कि फिल्टर वगैरह लगा के हम कैसे इंपेडेंस को मैनेज करें, 50 ओम कहीं पे मेंटेन करना होता है, कहीं पे 60 ओम करना होता है। सिग्नल इंटीग्रिटी में हम डिफरेंशियल पेयर पढ़ते हैं कि कैसे दो वायर को आप ले के जाना है एक जगह से दूसरे जगह पे। ठीक है, तो ये सब क्या होता है, बेसिक रूल्स हैं कि आप किस तरह से लेआउट को डिज़ाइन करते हो। ठीक है, बेसिक
तो क्लॉक फ्रीक्वेंसी क्या होगी आपका बेसिक, जहाँ पे सिग्नल जो है आपका या क्लॉक फ्रीक्वेंसी है वो मोर लेस देन सॉरी ग्रेटर देन और इक्वल टू मैं बोल सकता हूँ 50 मेगाहर्ट्ज होनी चाहिए, वो आपका आ जाएगा कहाँ, हाई स्पीड डिज़ाइन के अंदर के अंडर में, ठीक है। तो ये बेसिक दो पैरामीटर होते हैं आपके हाई स्पीड के। तो हाई स्पीड के लिए मैंने आपको फर्स्ट बताया दैट इज़ अ राइज टाइम एंड फॉल टाइम, सेकंड मैंने आपको बताया क्लॉक स्पीड, ठीक है। ये चीज़ें तो आप कैसे डिसाइड करोगे कि ये राइज टाइम क्या है, फॉल टाइम क्या है, तो ये आपको डेटा सीट वगैरह स्टडी करना होगा कि आप जो कंट्रोलर यूज़ कर रहे थे, आप RF डिज़ाइन कर रहे हो तो RF में हमें पता होता है कि सिग्नल जो होंगे मोर देन आपके गीगाहर्ट्ज़ में, जैसे कि आप अपना मोबाइल यूज़ करते हो आपके फ़ोन का जो फ्रीक्वेंसी है जो ट्रांसमिटिंग फ्रीक्वेंसी होता है या क्लॉक फ्रीक्वेंसी होता है दैट इज़ अप्रॉक्सीमेट 2 गीगाहर्ट्ज़ से 2.2 गीगाहर्ट्ज़, 2.4 गीगाहर्ट्ज़, 3.8 गीगाहर्ट्ज़ इस तरह के होते हैं। तो गीगाहर्ट्ज़ का मतलब क्या हो गया बेसिक, वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा हाई स्पीड सिग्नल है। तो हाई स्पीड सिग्नल है तो क्या होगा कि डेटा जो है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ट्रांसमिट होने में बहुत ही कम टाइम लेता है, और उसी कम टाइम को हमें मैनेज करना है और सिग्नल डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, क्योंकि एट द एंड जो हम ट्रांसमिट कर रहे हैं सिग्नल्स वो क्या है बेसिक, द पैटर्न ऑफ एन अ बाइनरी नंबर दैट इज इन टर्म्स ऑफ 0 एंड 1, वो 0 और 1 के पैटर्न में है। तो कहीं पे अगर सिग्नल डिस्टर्ब हुआ, ठीक है, तो वो 0 का 1 बना देगा, 1 का 0 बना देगा, या हो सकता है जहाँ पे क्लॉक आपका कंटिन्यूअसली 2 क्लॉक पल्स ही 1 1 है, 1 1 हम दे रहे हैं, ठीक है, जैसे 0 1 1 1 0 हम दे रहे हैं एक क्लॉक, ठीक है, एक क्लॉक सिग्नल दिए, तो अब क्या हुआ बेसिक वहाँ पे उस पैटर्न में 1 1 है, तो वो 1 को क्या करेगा डिस्टर्ब करके 0 भी कर सकता है, तो क्या होगा आपका प्रॉपर सिग्नल ट्रांसमिट नहीं हो रहा है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है दैट इज़ अ सिग्नल इंटीग्रिटी, कि हम सिग्नल को कैसे हैंडल कर रहे हैं, कैसे प्रॉपर डेटा ट्रांसफर कर रहे हैं, ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आई होप कि आपको मेरा फर्स्ट इंट्रोडक्शन का जो टॉपिक पॉइंट मैंने बताया वो आपको क्लियर हुआ होगा कि व्हाट इज अ हाई स्पीड डिजाइन, ठीक है। अब हम सेकंड चीज पे आते हैं कि हाई स्पीड डिजाइन किस स्टूडेंट को सीखना चाहिए, ठीक है, कैसे कैसे किस तरह के स्टूडेंट हैं जिन्हें हाई स्पीड डिजाइन सीखना चाहिए। तो अगर आप हाई स्पीड डिजाइन सीखना चाहते हो तो आपके लिए कुछ मैं पॉइंट्स ऐसे कवर कर देता हूं इंपॉर्टेंट है जो कि आपको आने चाहिए। तो जब भी आप हाई स्पीड डिज़ाइन सीखते हो तो उससे पहले कोशिश करो कि जो बीटेक में नेटवर्क एनालिसिस का पार्ट है वो आपको क्लियर होना चाहिए। अगर मैं नेटवर्क एनालिसिस का पार्ट बोलूं तो क्या, नेटवर्क एनालिसिस में हम बेसिक पढ़ते हैं रेजिस्टर कैपेसिटर एंड इंडक्टर, ठीक है, बेसिक हम 3 टर्मिनोलॉजी पढ़ते हैं रेजिस्टर कैपेसिटर एंड इंडक्टर। आपको ये चीज़ों का एप्लीकेशन पता होना चाहिए। कैपेसिटर क्या है आपका बेसिक, दो पैरेलल दो मेटल का प्लेट है उसके बीच में क्या है डाइलेक्ट्रिक है दैट इज कॉल्ड कैपेसिटर, सिंपल आप पढ़ते हो, बट आप इस एप्लीकेशन को यूज़ नहीं कर पाते हो। कैसे यूज़ नहीं कर पाते हो, सपोज करो कि मैं 2 ट्रांसमिशन लाइन लेके जा रहा हूँ, ठीक है, ट्रांसमिशन लाइन इज नथिंग बट जस्ट 2 वायर, ठीक है, ट्रांसमिशन लाइन ये 2 वायर को मैं यहाँ से इस तरह से लेके जा रहा हूँ। अब क्या हुआ कि वायर क्या है आपके कॉपर के हैं, कॉपर ट्रोल से एलुमिनियम है, बट है तो दोनों के दोनों कंडक्टर, ठीक है। अब दोनों के दोनों कंडक्टर हैं, इसमें आप हाई स्पीड में सिग्नल ट्रांसमिट कर रहे हो या पावर कर रहे हो, वोल्टेज करंट कुछ भी आप ट्रांसफर कर रहे हो, अब इन दोनों के बीच में डाइलेक्ट्रिक मीडियम क्या बनेगा। एक PCB अगर मैं लूँ तो उस PCB में डाइलेक्ट्रिक मीडियम क्या है बेसिक, एयर है, ठीक है, एयर है बेसिक। एयर नहीं है तो क्या है कि मान लो ये सिग्नल का वायर है, इसके ऊपर आप पावर लेके जा रहे हो, तो ये पावर क्या करेगा बेसिक, एक वायर में अगर पावर है बेसिक या वो करंट फ्लो कर रहा है, वो क्या कोशिश करता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को जनरेट करता है, ठीक है। इसीलिए आप पढ़ते हो EMI दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस, क्या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस कैसे क्रिएट हो रहा है और कैसे वो डिस्टर्ब कर रहा है दूसरी ट्रांसमिशन लाइन को। मैं फिर से बोल रहा हूँ, तो ट्रांसमिशन लाइन इज नथिंग बट जस्ट अ वायर जिसके थ्रू मैं डेटा को लेके जा रहा हूँ, जिसके थ्रू मैं सिग्नल्स को लेके जा रहा हूँ, जिसके थ्रू मैं पावर को लेके जा रहा हूँ, या उसी के थ्रू तक करंट भी फ्लो कर रहा है, तो ये बेसिक ट्रांसमिशन लाइन होता है। इसीलिए हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस। और जब आप बेसिक अगर आप PCB डिज़ाइन करते हो तो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता है, बट जैसे ही आप हाई स्पीड डिज़ाइन में आते हो तो फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस होता है, क्योंकि बहुत ही हाई स्पीड में सिग्नल ट्रांसमिट कर रहा है। अगर 50 मेगाहर्ट्ज़ में भी सिग्नल ट्रांसमिट कर रहा है तो दैट इज़ अ क्वाइट फास्ट। 50 मेगाहर्ट्ज़ का मतलब क्या हुआ, दैट इज़ 50 मिलियन, मेगा मीन्स मिलियन, सो 50 मिलियन हर्ट्ज इज़ नथिंग बट जस्ट अ फ्रीक्वेंसी, एंड फ्रीक्वेंसी इज रिप्रेजेंटेड बाय द 1/टाइम पीरियड, ठीक है। फ्रीक्वेंसी क्या होता है, पर यूनिट में जो भी चेंजेस हो रहे हैं दैट इज़ कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। तो एक सेकेंड में, अगर मैं एक सेकेंड की बात करता हूँ, तो एक सेकेंड में 50 मिलियन डेटा ट्रांसमिट हो रहा है, 50 मिलियन पैटर्न ऑफ 0 एंड 1 ट्रांसमिट हो रहा है। तो उस सिग्नल्स को डिस्टर्ब ना करने के लिए हमें कैसे, कितना दोनों के बीच में थिकनेस होना चाहिए, वायर की थिकनेस होनी चाहिए, कितना गैप होना चाहिए दोनों वायर के बीच में,
सो हम ये सब चीज़ों को कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो इसलिए आपको बीटेक में जो पढ़ना है, फर्स्ट कोशिश करो कि आप नेटवर्क, अभी जो मैं आपको एग्जांपल बताया दैट इज बेसिक अबाउट द कैपेसिटर, क्योंकि यहाँ पे भी क्या है, एक ट्रेस है, दो ट्रेस है, दोनों आपके क्या हैं, ट्रेसेस, दोनों कंडक्टर हैं, और इसके बीच में जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस क्रिएट होगा तो ये क्या करेगा, दूसरे वाले सिग्नल को डिस्टर्ब करने की कोशिश करेगा, जिसमें क्या होगा कि इस वाले लाइन, मान लो ये सिग्नल है, तो इस सिग्नल में क्या हो रहा है, बेसिक जो सिग्नल आपके ट्रांसमिट हो रहे हैं 50 मेगाहर्ट्ज़, 60 मेगाहर्ट्ज़, 1 गीगाहर्ट्ज़ के फ्रीक्वेंसी पर ट्रांसमिट हो रहे हैं, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पावर क्या करेगा, इसको डिस्टर्ब करने की कोशिश करेगा, डेफिनेटली करेगा, तो ये क्या होगा, डिस्टर्ब होगा तो प्रॉपर आपका डेटा जो है ट्रांसमिट नहीं होगा, जिसके कारण आपका सर्किट काम नहीं करेगा, इस वजह से मैं बोल रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या हुआ, बेसिक दोनों पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ही हो गए आपके, एक तरह से पैरेलल कैपेसिटर प्लेट आए तो कैपेसिटर का भी ये मेरे को बीच में चार्ज स्टोर हो रहा तो भाई डिस्टर्ब करेगा ही करेगा। तो ये सब चीज़ें हमें देखनी पड़ती, इसलिए बोल रहा हूँ रेजिस्टर पढ़ो, कैपेसिटर पढ़ो, इंडक्टर की प्रॉपर्टी पढ़ो, बेसिक रिलेट करना सीखो, कैसे रिलेट करते हैं। तो फर्स्ट फोकस करो नेटवर्क एनालिसिस, उसके बाद आप सेकंड फोकस करो कंट्रोल सिस्टम का, टाइम रिस्पांस एनालिसिस एंड फ्रीक्वेंसी रिस्पांस एनालिसिस, दैट्स इट, ठीक है। उसके बाद आपको थर्ड सब्जेक्ट जो पढ़ना है, अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स के स्टूडेंट हो तो आपका सब्जेक्ट होता है दैट इज EMI, दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी होगा, कहीं EMI होता है, कहीं EMT होता है, ठीक है। सब्जेक्ट होते हैं बीटेक में 5th-6th सेमेस्टर में, देख लेना वो चीज़ें, ठीक है। ये चीज़ें आप बेसिक पढ़ के रखो, तीन सब्जेक्ट में बोल रहा हूँ अभी आपको, इन तीन सब्जेक्ट पे अगर आपका कमांड है आप हाई स्पीड को डील कर लोगे। उसके बाद आप जब एडवांस लेवल पे आते हो, अब आप क्या करते हो, बेसिक PCB डिज़ाइन करना आप शुरू करो। मैं इसीलिए बोल रहा था, अभी तक जो भी मैंने PCB डिज़ाइन या कोर्सेज आपके लिए बनाए, जो भी मैं कोर्सेज के हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, यूट्यूब पे अवेलेबल है, ठीक है आपके लिए। तो उसके अंदर जो भी मैंने वीडियोस बनाए, उसमें मैंने कहीं भी हाई स्पीड का यूज किया, वो बहुत ही बेसिक सिग्नल है, जहाँ की बेसिक सिग्नल ट्रांसमिट हो रहे हैं, जहाँ 16 मेगाहर्ट्ज़ का क्रिस्टल लगा है, कहीं आपका 22 मेगाहर्ट्ज़ का क्रिस्टल लगा है, मैं वहाँ पे नहीं बात कर रहा हूँ इस लेवल का, ठीक है। तो बेसिक आपको ये पार्ट आप क्लियर रखो सब्जेक्ट वाइज, ठीक है। उसका बेसिक PCB डिज़ाइन करना सीखो, राउटिंग करना सीखो, आउटो रूटर का यूज़ करना सीखो। आउटो रूटर का मैं वैसे प्रीफर नहीं करता हूँ कि आप यूज़ करो, बट आप मैनुअल ट्राई करो राउटिंग करने का, प्रॉपर कंपोनेंट का प्लेसमेंट सीखो, कैसे कंपोनेंट का प्लेसमेंट करते हैं, कौन से कंपोनेंट को किस जगह पे प्लेसमेंट करना है। अगर आपको कोई इशू आता है मुझे कमेंट करो, मेरे इंस्टाग्राम पे जाकर के मुझे आप DM कर दो कि, या मुझे आप मैसेज कर दो पर्सनली इंस्टाग्राम पे कि सर ये इशू आ रहा है, यहाँ पे मैं क्या चीज़ें सीखूं या कैसे कंपोनेंट प्लेसमेंट करूं। डेफिनेटली मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपके साथ एक वीडियो शेयर करूं, आपको वीडियो बना करके बताऊं, जिससे कि और भी लोगों का डाउट क्लियर होता जाए, ठीक है। तो टॉपिक मुझे आप लोगों से ही मिलता है। उसके बाद जब आप बेसिक PCB डिज़ाइन सीख जाओगे तो आप जाओ सिग्नल इंटीग्रिटी पे। देखो मैं बुक प्रीफर नहीं करूँगा कोई भी, इसलिए वजह से नहीं करूँगा क्योंकि सिग्नल इंटीग्रिटी की जो अच्छी बुक आती है ना, ठीक है, अच्छी बुक अगर आती है सिग्नल इंटीग्रिटी की जो मैंने देखी है, दैट कॉस्ट इज अप्रॉक्सीमेट 12,000-15,000 ऐसे आती है। तो हाँ, अगर आप चाहो तो गूगल वगैरह का PDF आपको मिल जाएगा, PDF डाउनलोड कर लो, बट बुक परचेस करने के पीछे मत जाओ, बहुत कॉस्टली। देखो हम बेसिक इंजीनियरिंग में पढ़ते हैं, वो बुक बहुत ही सस्ती आती है, ठीक है, बहुत ही कॉस्टली बुक नहीं आती। बट जब आप हाई लेवल पे जाते हो ना, जैसे कि आप इस तरह के जब टॉपिक को स्टडी करते हो, तो बहुत कॉस्टली बुक आती है, 12,000 की सिग्नल इंटीग्रिटी की बुक है, ठीक है। तो बट मैं उसको रिफर नहीं करूँगा, मैं करूँगा आप इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करो, सिग्नल इंटीग्रिटी में आप कवर करो, इम्पीडेंस मैचिंग कैसे होता है, क्रॉस टॉक क्या होता है, कैसे सिग्नल को ट्रांसमिट करना है, क्या डिफरेंशियल पेयर होना चाहिए, ठीक है, इस तरह के टॉपिक्स को क्या करो आप जा करके कवर करो। उसके बाद आप पावर इंटीग्रिटी में और सिग्नल में, हम सिग्नल्स की बात करेंगे, पावर में हम वोल्टेज और करंट की बात करेंगे कि कैसे हमें सिग्नल का अगर वायर जा रहा है और अगर हमारा वायर अगर पावर का जा रहा है तो कैसे उसको मैनेज करें, ठीक है, ये सब टॉपिक पे कवर करो। थर्ड, अब मैं बात करूंगा, देखो मैंने आपको इंट्रोडक्शन हाई स्पीड का दे दिया, उसके बाद मैंने आपको बता दिया आपको क्या क्या चीज़ें सीखनी है, अब इससे आप क्या क्या इंटरफेस कर सकते हो। तो आप बहुत सारे इंटरफेसेस देखते हैं, मगर मोस्ट ऑफ द इंटरफेसेस की मैं बात करता हूँ, जो अगर आप अच्छे जगह पे जॉब करना चाहते हो, अगर PCB डिज़ाइन इंजीनियर, अगर सर्किट डिज़ाइन इंजीनियर, या फिर आप अगर स्कीमेटिक डिज़ाइनिंग में हो, हार्डवेयर डिज़ाइनिंग में हो, तो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है हाई स्पीड डिज़ाइन को प्रीफर करना, क्योंकि बेसिक कंपोनेंट्स को मेरे को नहीं करना है प्लेसमेंट, ठीक है, मेरे को मेन जाना है कि इसमें इंटरफेसेस में। तो आप इसके बाद धीरे धीरे करके इंटरफेसेस सीख सकते हो, जैसे कि DDR इंटरफेस है, DDR3, DDR4, DDR बेसिक RAM है, ठीक है, RAM इंटरफेस कैसे करेंगे, SSD इंटरफेस कैसे करते हैं, ब्लूटूथ इंटरफेस कैसे करेंगे, Wi-Fi की IC कैसे इंटरफेस करेंगे, ईथरनेट कैसे इंटरफेस करेंगे। ईथरनेट बहुत बड़ा टॉपिक है, मैंने लास्ट एक वीडियो बनाया था आपके साथ ईथरनेट फी का, वो वीडियो आप जाकर के जरूर देखना,
ईथरनेट फी इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्योंकि ईथरनेट फी में हम 5 GHz तक का हम डेटा ट्रांसमिट कर रहे हैं एक ही वायर में। आपके डेटा जो लैन केबल होती है बेसिक Cat6 केबल होती है, उसके थ्रू हम पावर भी ट्रांसफर कर रहे हैं, डेटा भी ट्रांसफर कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं आप जाकर के वहाँ पे देखो, वो ईथरनेट वाले वीडियो में वहाँ पे भी क्लियर होगा। तो इस तरह के आप इंटरफेसेस से सीख सकते हो चीज़ें, ठीक है। तो ये बेसिक है, आज के वीडियो में मैंने आपके साथ कवर कर दिया कि एक हाई स्पीड डिज़ाइन को समझने के लिए आपको क्या क्या चीज़ों की रिक्वायरमेंट है, कैसे क्या होगा। बाकी अगर आपका फीडबैक आएगा तो डेफिनेटली मैं कोशिश करूँगा कि अच्छे टॉपिक्स पे मैं एक सीक्वेंस में मैं आपके साथ वीडियो को शेयर करूँ। क्योंकि सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट क्या है कि जब भी आप यूट्यूब पे स्टडी कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, समझने चाहते हो कोई भी टॉपिक, तो इस तरह के जो टॉपिक है वो बहुत ही कम अवेलेबल है हिंदी में, ठीक है। और मैं कोशिश करता हूँ मैं हिंदी में, क्योंकि ऑडियंस बहुत ज़्यादा है, आप लोग वीडियो को शेयर नहीं करते हो। सॉरी, 87% लोग ऐसे हैं जो चैनल पे वीडियोस को देखते हैं बट सब्सक्राइब नहीं करते हैं। आई डोंट नो व्हाई, बट डेफिनेटली मैं बोलूँगा कि सब्सक्राइब करो चैनल को, वीडियो को लाइक करो। आपको अगर सपोर्ट आएगा तभी मैं वीडियो बना पाऊँगा। तो आप लोग अगर फीडबैक दोगे अच्छा, तो डेफिनेटली मैं आगे इसको कंटिन्यू करूँगा। तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो चैनल को। अगर आप फेसबुक पे देख रहे हो तो इस इलेक्ट्रॉनिक्स ग्लोब आपको पता ही है कि मैं हर जगह पे हूँ। आप फेसबुक पे चले जाओ, इंस्टाग्राम पे चले जाओ, आप कहीं भी सोशल मीडिया पे जाकर के इलेक्ट्रॉनिक्स ग्लोब टाइप करोगे, मेरा चैनल आ जाएगा आपको, ठीक है। मेरा पेज आ जाएगा आपको, मेरा प्रोफाइल आ जाएगा आपको। वहाँ पे जाकर के आप मेरे से क्वेश्चन कर सकते हो, आप मेरे को डाउट पूछ सकते हो। अगर आपको डाउट लगता है तो नीचे कॉमेंट करो, वहाँ भी मैं रिप्लाई करूँगा। चैनल को डेफिनेटली बोलूँगा सब्सक्राइब करो, सपोर्ट करो, तो मैं आगे चीज़ें कंटिन्यू करूँगा, ठीक है। तो चलो मिलूँगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच।